बिनौला खल की कीमतें वायदा बाजार में 3400 तक गई तो थी, लेकिन वहां सस्ते नहीं हो पाई थी। फिर 3300 के दायरे में ही काफी समय तक कारोबार किया था। वर्तमान में बिनौला खल 3300 से फिसल चुका है और 3100 तक के स्तर देखने को मिल चुके हैं। जानकारों के अनुसार बिनौला खल के फंडामेंटल्स मजबूत हैं। कपास की कीमतों में लगातार तेजी जारी है, आगे बिनौला खल की डिमांड भी बढ़ेगी जिससे कीमतों को सपोर्ट मिलता दिखाई देगा। बाजार के जानकार केडीए एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडीए के मुताबिक बिनौला खल में कुल मिलाकर तेजी का ही रुझान है। 3400 के बाद बिनौला खल में 3300 और अब 3100 तक के स्तर देखने को मिल चुके हैं। जब तक बिनौला खल का फरवरी वायदा 2950 के ऊपर है, तब तक बिनौला खल में तेजी का रुख बना रहेगा। कुछ निवेशकों को बिनौला खल में थोड़ी गिरावट से कमजोरी दिख रही है। इस पर अजय केडीए का कहना है कि बाजार में अगर तेजी आती है तो मंदी भी जरूर आती है, ये बाजार का नियम है। अगर किसी कमोडिटी में 1000 से 1500 पॉइंट की तेजी आए और फिर 300-400 पॉइंट की हल्की गिरावट बने तो उसको गिरावट नहीं कहा जाएगा, बल्कि ऐसे मौकों का फायदा उठाकर निवेश के मौके ढूंढने चाहिए। अजय केडीए के अनुसार जो निवेशक बिनौला खल में खरीदारी में नहीं रह पाए थे पहले और पीछे छूट गए थे, वे अब खरीदारी में रह सकते हैं। बिनौला खल में निचले स्तर पर घबराना नहीं है। अगर 3400 का लेवल नहीं दिखता है फिर से तो 3100 से 3150 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। 3100 से 3150 के स्तर पर खरीदारी में रहा जा सकता है, आगे तेजी ही देखने को मिलेगी। मार्च तक बिनौला खल में 4000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।